खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, कल यौम मई के सिलसिले में जो तकारीब मुनक़द हुई मुल्क भर में, उनमें एक तकरीब वाह कैंट में भी थी, POF पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। और वहाँ पर एक सूरत हाल के बाद निसार चौधरी निसार साहब की एक तकरीब से ख़िताब की जो तफसीलात हैं, उस पर अभी खबर जो सामने मेरे सुर्खियों की सूरत में बात होगी। अहम खबर, हसास इदारे गैर महफूज होना एजेंसियों पर सवालिया निशान है। चौधरी निसार, नादान लोगों ने कैसे समझ लिया सिक्योरिटी थ्रेट कबूल कर हमें यहाँ आने से रोक देंगे। खतरे की रिपोर्ट देना आपका काम, कहीं जाना ना जाना हमारा फैसला। POF के मजदूर महफूज नहीं तो हमारा अल्लाह ही हाफिज है। सब कान खोल कर सुन लें, POF की शान मजदूरों से है। खिताब, तनख्वाह में 25% इजाफे का ऐलान। रोजामा एक्सप्रेस की सुर्खी, रोजामा जंग की सुर्खी, सिक्योरिटी एजेंसीज की कारकर्दगी, चौधरी निसार नाराज। 3-4 रोज से तमाशा लगा है, सिक्योरिटी इदारे हसास इलाकों का तहफ़ नहीं कर सकते तो उनकी कारकर्दगी पर सवाल उठ सकते हैं। हुकूमत मजदूरों की बेहतरी के लिए कोशिश है, दहशतगर्दी की वार्निंग पर एजेंसियों को पैगाम दे दिया। रिपोर्ट देना आपका काम और जाने ना जाने का फैसला करना मेरा काम है। तो ये तो दोनों अखबारात की सुर्खियां हैं, अंग्रेज़ी अखबारात। स्टॉप गैप अपॉइंटीज प्रिपेयरिंग नेक्स्ट बजट, डॉन की लीड है आज, और डॉन में क्या इसमें खबर में तफसीलात हैं वो भी देख लेंगे। निसार एंग्री एट परफॉर्मेंस ऑफ सिक्योरिटी एजेंसीज, द न्यूज़ इंटरनेशनल की सुर्खी, और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की सुर्खी भी यही है, निसार क्वेश्चंस एफिशिएंसी ऑफ सिक्योरिटी एजेंसीज। तो जनाब, पहले हम जनाब मुक्तदा मंसूर साहब से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं, उसके बाद दीगर खबरों की जानिब तवज्जो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुक्तदा साहब। मुक्तदा साहब, चौधरी निसार साहब से आप जितना भी डिसएग्री करें या अग्री करें, कभी कभी बात वो बिल्कुल ठीक करते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि इस तरह के लबो लहजे में बात करना, निसार साहब ने जिस तरह बात की है, क्या कुछ तलखी है दोनों अतराफ, या ये एक नॉर्मल बात थी जिस पर रिएक्शन आया है? देखिए, मसला बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिससे कि कुछ तासुरात दूसरे बन रहे होते हैं, कुछ रवैये ऐसे होते हैं कि चौधरी निसार के बारे में आम तौर पर यह तासुर रहा है कि वो हमारी अस्करी क़यादत के ज़्यादा करीब रहे हैं, उनका ख़ानदान में भी लोग अस्करी क़यादत के रहे हैं। अभी भी जो कल 2-4 चीज़ें सामने आईं, इस्लामाबाद के सीनियर जर्नलिस्टों ने लिखा, हामिद मीर ने भी अपने कॉलम में जो इशारा किया डॉन लीक्स के हवाले से, उसमें भी उन्होंने जो है वो कहीं बराह रास्त तो कहीं जो है वो बिलवास्ता तौर पर चौधरी निसार को ही ज़िम्मेदार ठहराया इन लीक्स के हवाले से। अच्छा, अब ये बात तो आई। अच्छा, और वो आम तौर पर रवैया भी ये जाहिर करते रहे, ठीक है, लेकिन जब ट्वीट का मामला आया तो उनका रवैया बड़ा सख्त था और उनका रवैया मुनासिब था कि चीज़ें जो हैं, और हमने शायद इस पर गुफ्तगू भी की थी अपने इस प्रोग्राम में कि भाई ये जो चीज़ें हैं ये ट्वीट्स पे नहीं आनी चाहिए, ये इंटर डिपार्टमेंटल जो कम्युनिकेशन होती है, करस्पॉन्डेंस होती है, उसके ज़रिए होने चाहिए। लेकिन अब फिर उन्होंने कल जो है वो सिक्योरिटी के, अच्छा ये बातें हम लोग करते रहे हैं लेकिन दबे अल्फाज में करते रहे कि जी मसला ये है कि जिन लोगों की जिम्मेदारी है कि जो सिक्योरिटी कौम को फराहम करें, वो खुद सिक्योरिटी का मामला, तो हम लोग तो दबते हुए डरते हुए हालात के तहत, लेकिन कल उन्होंने खुलकर बात की है। अब इससे दो तासुर जा रहे हैं, या तो वो अपने पुराने वाले मामले को जो है वो दबाना चाहते हैं जो उन पर ब्लेम आ रहे हैं, या ये है कि उन्हें ये कॉन्फिडेंस है कि जी वो जो कुछ कहेंगे उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा, उनकी जो लॉयलिटी है उसको जो है वो क्वेश्चन नहीं होगी, उस पर सवाल नहीं उठेंगे। तो इस पूरी सूरत हाल, इस पूरे तनाजुर में अगर देखें तो उनका किरदार जो है बड़ा एक अजीब, कहना चाहिए मशकूक किस्म का लगता है बाज़ औक़ात, क्योंकि देखिए वो बाज़ दहशतगर्द अनासिर के मारे जाने पर हकीमुल्ला महसूद हो या मुल्ला अख्तर मंसूर हो, उस पर वो रिएक्शन देते हैं बड़ा शदीद किस्म का। वो आमतौर पर डायलाग के तालिबान से हामी रहे हैं जिन लोगों ने कत्ल वगारत गरी की, दूसरी तरफ जो है वो उन तमाम कुव्वतों को लेकर चलना चाहते हैं कि जो कुव्वतें जो इस मुल्क के अंदर एक फितना फसाद फैलाने के ज़िम्मेदार हैं, और फिर साथ साथ वो इस किस्म की बातें भी करते हैं। तो या तो उनके जहन में यह है कि वो शायद मियाँ साहब के बाद अपने आप को बहैसियत एक नया प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं, हो सकता है, अच्छा। इम्कानात भी हो सकते हैं, या उन्हें किसी ने ये इस बात की जो है ज़मानत दी है हल्के ने कि जी आप के लिए जो है इम्कानात पैदा हो रहे हैं, क्योंकि इमरान खान वो सब कुछ डिलीवर करने में नाकाम रहे हैं।
अच्छा, अब मसला ये है कि आज मैं उसी से लिंक आपकर बात आपको टाइम है, प्रॉब्लम एक और भी है। आज वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस छपी जो कल परवेज मुशर्रफ साहब ने की थी, उन्होंने यही कहा है कि अगर सियासी जमातों का इत्तेहाद ना बना तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दोबारा इख्तदार में आ जाने के कभी इम्कान हैं। ये बात बिल्कुल सही है। अब मसला ये है कि परवेज मुशर्रफ साहब एक कोशिश कर रहे थे कि अपोजिशन जमातें, लेकिन जिन अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करना चाह रहे थे वो इकट्ठी नहीं हो पा रही हैं। जो इमरान खान है वो बलूगत का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं, सियासी बलूगत का जो होनी चाहिए थी। फिर वो जिन लोगों को शामिल कर रहे हैं वो लोग भी जो है कोई अच्छी रेपुटेशन में था, लियाकत जतोई। तो अब मसला ये आ रहा है कि एक वो थर्ड ऑप्शन जो बनने जा सकते थे वो नहीं बन पा रहे हैं। परवेज मुशर्रफ साहब के कोई इम्कान नहीं है, उनकी ना जमात की कोई जो है, और फिर वो ख़ुद भी मुकदमात में घिरे हुए हैं, बाहर बैठे हैं, तो उनका वो नहीं है। तो अब पाकिस्तान में फिजा साहिबा इस पर जो सबसे बड़ा क्राइसिस है वो ये इन दो जमातों को छोड़कर एक तीसरा जो है कोई बड़ा बनते नहीं जा रहा है, कोई ऐसी पार्टी नज़र नहीं आ रही है। अच्छा, अब ये है कि ज़्यादातर जो खेल तब्दीली का आएगा वो ज़्यादातर पख्तूनख्वा में हो सकता है, अदरवाइज़ जो है पंजाब में नून लीग मुस्तहकम है और उसी की बुनियाद पर वो वफाक में आ जाएगी, और सिंध में पीपल्स पार्टी को है, और जो अरबन सिंध है उसके अंदर इन्होंने जिस किस्म का ऑपरेशन किया है, जिस अंदाज में किया है, तोड़ फोड़ फार्मूला रहा है। कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम रिशाद सिद्दीक है, इसका नाम कराची से। फरमाइए मैडम। अभी जो मुफ्ती मंसूर साहब यार कर रहे हैं, फरमा रहे हैं कि जी ये एक पार्टी दूसरी पार्टी, एक बेसिक पार्टी अवाम, अवाम एक बहुत बड़ी पावर है जी। अवाम को कोई सब निगलेक्ट कर रहे हैं कि अवाम जो है ना वो कोई हैसियत नहीं रखती पार्टियां, ये कि हम के इनके गुलाम है, अवाम की खुद एक अहमियत है। बिल्कुल सही। तो अवाम की अहमियत को क्यों नहीं कोई तस्लीम कर रहे, अवाम को नहीं चाह रही, अवाम चाह रही है खुद कोई रिजल्ट आना, इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। हम लोगों को कभी किसी, सही कह रहे हैं आप, बात करते हैं दास्तूरी क्यों बढ़ता है कि अवाम इस सारे काम में शामिल ही नहीं है। मुक्तदा मंसूर साहब जरूर जवाब देंगे। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए पाकिस्तान में जो एक कल्चर बिल्ड हो गया है ना, सियासत में एक अशराफियाई कल्चर है, और दूसरी तरफ आपके नॉन पॉलिटिकल फोर्सेज हैं, यानी इनमें फौज हो गई आपकी और सिविल एस्टेब्लिशमेंट हो गई, सिविल जो ब्यूरोक्रेसी है। अब ये जो है ये उन चीज़ों तक नहीं पहुँच रहे हैं, ग्राउंड मतलब ग्रास रूट तक। वजह क्या है? वजह दो है इसकी बुनियादी। पहली बात तो ये कि आपने तलबा सियासत का जो है रास्ता बंद करने के, आपने मिडिल क्लास और ख़ास तौर पर अर्बन मिडिल क्लास से जो पॉलिटिक्स के अंदर केडर आता था वो बंद हो गया। आप देखिए कि उसके बाद से नहीं आ रहा है केडर। दूसरा क्या है, दूसरा एक तरीका होता था जो लोकल गवर्नेंस होती थी, जो लोग आते थे काउंसलर से, वो उनकी एबिलिटी की बुनियाद पर उनका टेस्ट होता था, वो चार साल या अगले चार साल, और उसके बाद फिर वो सूबाई और सूबाई से कौमी। दुनिया भर में यही प्रोसेस है कि लोग आते हैं। मनमोहन सिंह जो थे वो सबसे पहले, हालांकि पीएचडी थे इकोनॉमिक्स में, वो अमृतसर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो है वो एडवाइज़र रखे गए, वहाँ से वो वहाँ से प्रमोट करके आए, फिर पंजाब असम्बली में गए, पंजाब असम्बली से निकल कर फिर वो वहाँ की लोकसभा में गए। तो जब वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो वो 80 वर्ष के हो चुके थे। तो अब ये जो प्रोसेस है ये लर्निंग का प्रोसेस होता है। अब हमारे यहाँ तो केडर आने जाता, अब नतीजा क्या निकला, एक तो मौरूसियत होगी सियासत में, और दूसरा क्या होगा कि वो जो है एक अपर क्लास के अंदर ही डिवाइड होती रहेगी, ओहदे बढ़ते रहेंगे, नीचे से जो केडर है वो नहीं आएगा। कितने हमने एक पेज में बात की भी थी इसके ऊपर कि आप देखेंगे जो 70 के अशरे में जो लीडरशिप आई थी वो तमाम जमातों में, चाहे दाएँ बाजू हो चाहे बाएँ बाजू की, उन जमातों के अंदर वो तलबा सियासत से निकल कर आए थे और उन्होंने मैच्योर सियासत की थी। लेकिन आज एक तो नज़रियात ख़त्म हो गए। अब मुझे बताइए कि नून लीग में, पीपल्स पार्टी में और तहरीक इंसाफ में फ़र्क क्या है नज़रियाती तौर? कुछ भी नहीं है, सिर्फ शख्सियात का फ़र्क है। तो अब ये इसको आप कैसे बुनियाद करेंगे? आप इनके किस बुनियादों पर आप जो है आप उठा के मंशूर देख लें तो, और मंशूर में 5% से ज्यादा कोई जवाब अमल नहीं कर रहा, कोई भी, पता नहीं 5 भी आप कह रहे हैं, मुझे जो इतना 5% में नहीं, कुछ तो होता 5% आप कह सकते हैं जी। चले जी, दूसरी खबरें भी देखते हैं। पाकिस्तान से मसला कश्मीर पर मुज़ाकरात करें, मजीद लाशें ना गिरने दें, रिद्वान का मोदी को मशवरा, तमाम मसाइल हल करने के लिए तैयार है भारत। मेरी वजीर आजम नवाज शरीफ से भी बातचीत होती रहती है, वो मसला कश्मीर एक ही बार हल करने के ख्वाहिशमंद हैं। तनाज़ात बढ़ाना आइंदा नस्लों से ज़्यादती होगी, तुर्क सदर। हमने कल भी जिक्र किया था, 2 रोज़ा दौरे पर हैं भारत के। अच्छा मुक्तदा मंसूर साहब, मुझे जो फीलिंग आ रही है इस वक्त भारत में जो लहर है मुज़ाहमत की, उसकी ज़रा शक्ल इस दफ़ा मुख्तलिफ नज़र आ रही है।
अच्छा ब्रेक ले लेते हैं, मैं सवाल भी फिर ब्रेक के बाद ही कंप्लीट करूंगी, मसले कश्मीर पे बात करेंगे नाज़रीन ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम, आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन मेरे सामने खबर थी, सेब का मवाजना माल्टे से करने की गलती, मवाजना माल्टे से करने की गलती ना करें, मसला कश्मीर को कुर्द बागियों से मिलाने पर तुर्क सदर का भारतीय सहाफ़ी को जवाब। मुक्तदा मंसूर साहब जो सवाल कर रही थी वो ये था, इस वक्त भारत हमें थोड़ा सा दबाव में नज़र आ रहा है, क्योंकि इस वक्त कल अंग्रेज़ी अखबारात ने भी डॉन में या ट्रिब्यून में भी ये बात थी कि वहाँ जो बच्चियों ने जिस तरह से वो पत्थर उठा के अब रिटेलिएट करना शुरू किया और दीगर और सारी चीज़ें चल रही हैं, क्या वो जनरल की मुलाकात को उसी ज़ुमरे में हम रखें? दूसरा, इस मौके से हम फ़ायदा उठा सकते हैं जो इस वक्त थोड़ा सा लग रहा है कश्मीर की वजह से भारत पर दबाव? देखिए दो बातें मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, एक तो ये कि हमसे माजी में गलतियाँ दो तीन हुई हैं। वो एक मोमेंट थी, कौमी मोमेंट, उसमें एक ज़माना था कि जिसमें कि कश्मीरी पंडित भी शामिल था। अच्छा थोड़ी सी मैं आपकी कथा कलामी करूँ ताकि नाज़रीन की याददाश्त थोड़ी सी रिफ़्रेश हो जाए। हाफिज़ सईद की नज़रबंदी मजीद 90 रोज़ के लिए बढ़ा दी गई। जी हाँ, अब उसमें ये था कि ज़ियाउल्हक के दौर में उसे कलर दिया गया रिलीजियस, जो एक बहुत बड़ी गलती थी जिससे जो आलमी सतह पर तासर गया। देखिए कौमी जद्दोजहद की दुनिया भर सपोर्ट करती है, लेकिन किसी मखसूस फ़िरके फ़िके या अकीदे या मज़हब की बुनियाद पर जो मामलात होते हैं उसको सपोर्ट नहीं मिलती। ये आजकल नहीं मिल रही ना, आजकल वही मैं आज कर रहा हूँ। पाकिस्तान ने एक चीज़ को तब्दील तो किया है कि वो एटीट्यूड जो है अब जो सपोर्ट है, और यही वजह है कि हाफिज़ सईद हो या जैश मोहम्मद हो उनकी, मौलाना मसूद अज़हर की, इनका रोका गया है कि ये उसमें इन्वॉल्व नहीं हो, क्योंकि इससे तासुर जो है वो दूसरा बनने जा रहा है। अब ये मोमेंट जो है देखिए ये है, अब उनकी कौमी जदोजहद और ये ग्रास रूट तक गई है, इसने हिंदुस्तान को परेशान किया। दूसरा जो मसला हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, जो इस मसले के लिए एक बहुत महमीज लगा रहा है, इसको बेहतर कर रहा है, वो हिंदुस्तान में एक सेक्युलर रियासत के अंदर गैर सेक्युलर जो रवैयों का परवान चढ़ना है, यानी हिंदुत्वा का परवान चढ़ना है, कि गाय के गोश्त और इसका उसके मसले पर जो तशद्दुद की वारदातें हैं, उसने इसको मज़ीद जो है किया। अब ज़रूरत इस बात की है फिर कि पाकिस्तान जो है वो गलती ना करे जो गलती 80 के अशरे में ज़ियाउल्हक के दौर में की थी। बल्कि फिर मेरा कहने का मकसद अर्ज़ है, माफ़ कीजिएगा, मुअद्दिबाना अर्ज़ है हुक्मरानों से कि अब डिप्लोमेटिक फ्रंट पर ज़्यादा फाल हो जाएं। आप जो वो जो इल्ज़ाम है उससे बचें कि जी आपने बंदे भेज दिए, मुदाखलत कर दी और ये कर दिया, उस इल्ज़ाम को आप छोड़ दीजिए, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब ये इंडिजीनियस एक तरह की जो है वो मूवमेंट बन गई है, और जो ग्रास रूट तक है, यानी स्कूल की बच्चियां निकल रही हैं, बच्चे निकल रहे हैं, ये दुनिया के अंदर ये बड़ी अहम जो है मूवमेंट है। ये अलजज़ायर की जो फ्रांस के ख़िलाफ़ मूवमेंट थी वो हमें उसकी याद दिलाती है। लिहाजा अब जिम्मेदारी है पाकिस्तान की कि अपना डिप्लोमेटिक जो डायनामिज्म है उसको आगे ज़्यादा तेज़ करें, हमें वो नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, हमें जो नज़र नहीं आ रहा है, मुझे मैं बहुत माजरत ज़्यादा करूँगा कि हमें डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर जो है अब इन वाक़यात को ज़्यादा से ज़्यादा, इनकी जो वीडियोज़ हैं, इनकी जो पिक्टोरियल्स हैं मुख्तलिफ, उनके कहाँ हैं बताए, प्रिंट होकर दुनिया में मुझे दोस्तों से रबते होते हैं कनाडा में, अमेरिका में, इधर उधर, क्यों नहीं जा रहा है वहाँ के मीडिया में, वहाँ की सिविल सोसाइटी में, वहाँ के कंसर्न सिटीजन्स के पास, कि जो अब मिसाल तो मैं नॉम चॉम्स्की के पास आप क्यों नहीं पहुँचा रहे हैं? भाई नॉम चॉम्स्की तो बड़ा वोकल किस्म का इंटेलेक्चुअल है और बड़ा वर्ल्ड वाइड जो है वो सच बात कहने वाला, आप उसके पास ये तमाम चीज़ें पहुँचाएँ, आप ऐसे बेशुमार हैं, मैंने तो एक नाम लिया है। तो ये जो प्रोसेस है, लेकिन बहुत माजरत के साथ हमारे सिफारत खाने इस पूरे सूरत हाल में गैर फालियत का शिकार है। वो आदत नहीं है ना, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, तो ये जो फायदे की आपने बात की, ये इस फायदा हासिल नहीं कर पाएंगे। और आप देखिए कि कश्मीरी जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं वो अचीव अपने बलबूते पर करें तो करें, लेकिन हमारा देखिए लड़ाई में किसी के थप्पड़ मारना नहीं होता है, लड़ाई में जो है उसको इखलाकी सपोर्ट बड़ी बुनियादी चीज़ होती है, और इखलाकी सपोर्ट आलमी मंजरनामे में
आपका सिफारतकारी करती हूँ, वरना सिफारतखाने बंद कर दीजिए दुनिया भर में कि अय्याशी के अड्डे बने हुए हैं और जो लोग जाते हैं जाकर वहाँ ऐश कर रहे हैं उससे बंद कर दीजिए वहाँ पर। अगर आप सिफारतखाने चलाने हैं तो सिफारतखाने जो हैं उनका मतलब पाकिस्तान को प्रमोट करना है। क्या पाकिस्तान प्रमोट हो रहा है आलमी सतह पर या नहीं हो रहा है? पाकिस्तान नेगेटिवली हो रहा है। इंडिया के सिफारतखाने हमारे खिलाफ जो मूवमेंट चला रहे हैं वो कामयाब हो रही है और हमारी जो सिफारतखाने उनकी तरफ से उस तक का काट नहीं हो पा रहा है प्रॉपर। यानी सिफारती अमल का काट सिफारती अमल से ही मुमकिन है। ठीक है, ये तो सिफारती फ्रंट की बात हो गई। मेरा जो सवाल था मैं उसको एक दफ़ा दोबारा सा रिफ्रेश करती हूँ, लेकिन कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ ये जो हमारे सियासतदान हैं एक दूसरे के खिलाफ इतनी इल्जाम तराशी कर रहे हैं, इन्हें कम से कम अपने अपनी तरफ भी देखना चाहिए। आजकल कौन है आप ये बताइए, हम अभी भूले नहीं है इन सबको। अभी जो शर्जील मेमन है, आसिम है और ये सब है, इन सबको कोई नहीं भूला है अभी। फिर ये लोग इस तरह एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम तराशी कर रहे हैं, गलत है ना ये बात? सबको अपना सही अपना बिल्कुल ठीक है जी, आपकी बात पे भी कमेंट ले लेंगे, लेकिन मुख्तदम आपका सवाल है। मेरा सवाल ये है कि इस वक्त हमारी अगर आप कहिए कि इनएक्टिव अप्रोच या हमेशा से जो रिलैक्स्ड अप्रोच रही है उसकी वजह से भारत पे बढ़ता हुआ दबाव जो है उसको यकीनन मुज़ाकरात की टेबल पर लाने के लिए शायद मजबूर करेगा। हम मज़ीद कोई फोर्स अप्लाई कर सकते हैं या हम उसको मुज़ाकरात का रास्ता देकर और फिर वो एक रूटीन की बात में, जैसे पहले कॉम्पोजिट डायलॉग की बात हुई उसके बाद सुषमा स्वराज साहबा ने कहा कि जी कॉम्पोजिट को छोड़ें कॉम्प्रहेंसिव की बात करें, तो ये जो तब्दीलियां वहाँ से आती हैं और फिर हम उनकी बात पर जी जनाब करने लगते हैं। क्रिकेट की अगर आप बात देख लीजिए, अब क्रिकेट को भी मैं इसी इंटरनेशनल रिलेशन के ही एज अ लेग समझती हूँ कि यूज़ किया जा सकता है। शहरियार साहब को क्या ज़रूरत है पिछले दो तीन दिन से मुसलसल ये बयान देने की कि भारत इंटरनेशनल अरीना से भाग रहा है, मुकाबले नहीं कर रहा और पाकिस्तान को 100 मिलियन का नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है। भाई आप अगर इस वक्त पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करेंगे असर तो जाएगा, क्या कहेंगे आप? देखिए मैं दो तीन बातें इस सिलसिले में जो है जो आपने सवाल किया बड़ा अहम है। पहली बात तो आपका ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि हमने असल में मौक़िफ़ को अपने, देखिए इंडिया का मौक़िफ 48 के बाद से जो लड़ाई हुई थी वहाँ पर जो कबायली गए थे और उस वक्त से लेकर अब तक एक मौके पर कायम है, हमारे मौक़िफ़ में तब्दीली आती जा रही है। दूसरी बात यह है कि हमें ये तस्लीम करना चाहिए और हमें उस बुनियाद पर अखलाकी मदद करनी चाहिए कश्मीरियों की। देखिए बहैसियत एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मैं ये बात समझता हूँ कि हमें दुनिया में तमाम उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो अपने हक़ के खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद कर रही है, जो कौमें उसके अंदर बिला तख़सीस मज़हब अकीदा ये नहीं होना चाहिए। कश्मीरियों की मदद हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, अच्छा यहीं पर रुकते हैं क्योंकि इससे आगे आप फिर जवाब दीजिए। यहाँ तक हमने इस्टेब्लिश किया, सबको बता दिया, क्या हम ये कह सकते हैं कि जनाब आपने बात करनी है तो हम तो फरीक हैं यानी पाकिस्तान, लेकिन चूँकि ये मामला है ही प्योरली कश्मीरियों का, आप गो टॉक टू देम, हम नहीं, वो नहीं, सह फरीकी। अच्छा, मेरा नहीं, सर, मैं थोड़ी सी जरा डिफरेंट अप्रोच की बात कर रही हूँ। इस प्रेशर वाली सूरत हाल से अगर हम अपने आप को अपने फायदे में अगर इसे इस्तेमाल करना चाहें तो क्या हम ये आर्ग्यूमेंट यहाँ तक ला के कि जनाब ये हिंदुस्तान तो दो फरीकी बात पर राजी रहता है, वो कहता है आओ बैठो, लेकिन और वो कहता है कोई तीसरी बात, हमारा मौकिफ ये है कि सह फरीकी हो। नहीं आप सही कह रहे हैं, मैं कुछ और बात कर रही हूँ। अच्छा ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ये जरा हम अभी जी बिल्कुल तय करें कि इस लाइन को हम किस तरह मजीद टो कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अहम मामला थे खासतौर पर जब तुर्की के सदर ये बात कर रहे हैं और उन्होंने बड़ी मुनासिब बात की है, तो उसी जिम्मे उसको बल्कि रेफरेंस के तौर पर एग्जैक्टली तो बात करेंगे नाज़रीन ब्रेक के बाद। नाज़रीन खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज, मुक्तदा मंसूर साहब और मैं जिस मौजू पे बात कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। मुक्तदा मंसूर साहब मेरा सवाल आपसे ये है, इस वक्त तक आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि आप ये सारा डायलॉग सारा नैरेटिव स्टैब्लिश कर लें यहाँ तक, उसके बाद भारत से ये कहें कि जी इससे आगे अब हम कुछ नहीं कर सकते, आपने जो बात करनी है आप कश्मीरियों को साथ बिठाएं बात करें, मेरा पॉइंट ये है
कि हम अपनी, वही जो मैं पहले आपसे पूछ रही थी कि अपनी ले तो लाल से काम लेने की जो रिवायत है उसे अगर साइड पर रख के थोड़ा सा प्रोएक्टिव होके इस तब्दीलशुदा सिचुएशन को समझते हुए कि भारत पे दबाव है, फायदा उठाएं और उठा लेना चाहिए, मेरा पॉइंट बिल्कुल आपसे मैं मुत्तफिक हूँ। प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है और हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है ये आज भी कोल्ड वॉर के माइंडसेट में है, सर्द जंग की नफ्सियात से बाहर नहीं निकली है, क्योंकि हमें बड़ा भाई बनना छोड़ना पड़ेगा। हाँ, मेरा पॉइंट ये जो चीज़ है इसमें हमें देखना होगा कि किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है आफ्टर द कोल्ड वॉर, सर्द जंग के बाद की दुनिया एक मुख्तलिफ दुनिया है, लेकिन साथ ही 9/11 के बाद की दुनिया भी एक अलग दुनिया है। उसमें शिद्दत पसंदी दहशतगर्दी एक्सेप्टेबल नहीं है वर्ल्ड वाइड, लिहाजा आज की दुनिया डायलॉग की दुनिया बन गई है और डिप्लोमेटिक जो इन्फ्लुएंसेस की दुनिया बन गई है। हमें इन दो पहलुओं को मद्देनजर रखना है। ये जो माजरत ख्वाना रवैया जैसे शहरयार खान ने क्रिकेट के बारे में, भाई नहीं खेलते ना करो, तो आप दुनिया के अंदर बहुत सारे मुल्क हैं उनके साथ आप बराबरते करो, और पाकिस्तान में अगर किसी को आने में खौफ है आप दुबई में खेल लो, वो मसले अलग हैं। अब इससे क्या होता है कि जैसे हम बेचैन हैं और ये दूसरा मसला ये है कि उन्होंने एक पॉलिसी अख्तियार की है, इंडिया ने एक पॉलिसी अख्तियार की है, उसे हमें समझने की ज़रूरत है। उन्होंने ये किया, पहले ये होता था कि वो पाकिस्तानी आर्टिस्टों के हवाले से, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के हवाले से उनका रवैया उसको नहीं करते थे। अब उन्होंने ये देख लिया कि जी इसको प्रेशर डालने का तरीका ये है कि पाकिस्तानी मौसीकारों को, गुलकारों को, अदाकारों को, इनका भी रास्ता रोको और हर तरह से। लेकिन इंडिया इस वक्त अंडर प्रेशर है, मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि मूवमेंट ने अब जेन्युइनली जो मूवमेंट बिल्ड हुई थी 80s से पहले वो मूवमेंट दोबारा बल्कि ज्यादा पावरफुल अंदाज में, ज्यादा बेहतर अंदाज में स्ट्रेथन हुई है और वो ग्रास रूट तक गई है। और जो मूवमेंट ग्रास रूट तक जाए, मुझे तो इसके अंदर अलजजायर की आज़ादी वाले झलक नज़र आ रही है। तो ये अगर आज जो मूवमेंट एक होती है इसको हमें क्या देना है, इसको हमें जो है वेपनरी सपोर्ट की बजाय हमें इसको अखलाक की सपोर्ट देनी है, इंटरनेशनल जो ब्रादरी है उसके अंदर ले जाकर इनके कॉज को प्लीट करना है, इनके पैरवी करना है, ताकि ये जो मामलात चल रहे हैं इन मामलात को महमीज लगे और आगे बढ़े और हिंदुस्तान मजीद बैनुल अक्वामी दबाव में आए। हिंदुस्तान देखिए एक बार बता दूं आपको, असलहे की बुनियाद पर वो आपसे ज़्यादा असलहे रखता है, आप आइटम बम रखते हैं तो वो भी रखता है, वो हल नहीं है। हल ये है कि उसे डिप्लोमेटिकली कितना, वो आपको तनहा करने की कोशिश कर रहा है डिप्लोमेटिकली ना, आप उसे तनहा करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? मैं इस पॉइंट पे आता हूँ कि जब वो आपको तनहा, और आप इसमें रोने बैठ जाते हो कि हमें तनहा कर रहा है, भाई आप उसे तनहा करने की कोशिश करो, आपके इश्यूज तो इक्का दुक्का है, माफ कीजिएगा, उसके पास तो तमिलनाडु का इशू भी है, उसके पास तो जो है वो क्या नाम है वो जो स्टेट है मिजोरम का मसला है, मसाइल से, तो ये जो है सूरत हाल, इसके अंदर आपको डिप्लोमेटिक फ्रंट को मजबूत करना पड़ेगा और अपने डिप्लोमेटिक जो आपके केडर है उसको दोबारा से फालियत करना पड़ेगी और कोल्ड वॉर की नफसियात से निकल कर एक नई अंदाज में स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम आपको और मुख्तार मंसूर साहब को मेरा सलाम। वालेकुम सलाम भाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल जो इमरान खान ने एक बहुत अच्छी बात कराची में की है कि मेयर को अख्तियारात मिलना चाहिए, जी जी, वो एक बहुत पॉजिटिव बात थी। दूसरी चीज ये कि अभी जो डॉन लिंक और उसका जो इशू आ रहा है उसके बाद नवाज शरीफ की जो पोजिशन कमजोर हो रही है, तो लगता ऐसी है कि शायद नवाज शरीफ के बहुत ज्यादा लोग जो है ना पीटीआई को ज्वाइन करें आइंदा, तो आपका क्या ख्याल है? चलिए अभी बात करते हैं कि क्या ये तासुर सही है कि नवाज शरीफ साहब सियासी दबाव में है मुख्तलिफ जानिब से? नहीं देखिए, दबाव में तो नहीं है वो। अच्छा। वो में दबाव है भी और नहीं भी है। अच्छा। देखिए मसला ये है कि मैंने जो पहले अर्ज किया था कि कराची में तो ये है कि सब देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी आपको एक नज़र आ रहा है ना, आपको क्योस सियासत के अंदर जो पार्टी या रूल करती रही है 30 बरस से वो मतलब फिलहाल नज़र आ रही है, नहीं तो उसके जो है जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हर एक को राइट होता है जगह बनाने का, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? देखिए प्रॉब्लम ये है कि नून लीग को जेन्युइनली जो थ्रेट होनी चाहिए वो होनी चाहिए सेंट्रल पंजाब, जिसे आप जीटी रोड का पंजाब कहते हैं, यानी साहिवाल से लेकर और दरियाए झेलम तक, उस पंजाब में जो है उसको अभी चैलेंज नहीं है। और
ये जो इमरान खान है वो ठीक है, उनके तमाम चीज़ें, वो उन्होंने इस पूरे पनामा के केस को भी आगे बढ़ाया, तमाम किया, लेकिन वो जेन्युइनली अभी तक नून लीग के लिए उन इलाकों में थ्रेट नहीं बन सके। उसके तीन रीज़न है फिजा साहिबा। पहला रीज़न ये कि पंजाब में आज भी वहाँ मिडिल क्लास मजबूत हुई है, तालीम बढ़ी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस हुआ है, उसके बावजूद आज भी बिरादरियाँ मजबूत हैं और बड़ी और मजबूत बिरादरियाँ आज भी नून लीग के साथ हैं। जब तक ये बिरादरियाँ नहीं टूटती, इनको बिरादरियों को नहीं जाती, एक ज़माने में ये तमाम बिरादरियाँ पीपल्स पार्टी की गोद में थी, लेकिन पीपल्स पार्टी की अपनी गलतियों के सबब ये चली गई नून लीग के बाद, तहरीक इंसाफ इन बिरादरियों को नहीं ला सका। दूसरा मसला ये है कि वहाँ का जो पढ़ा लिखा तबका है, तालीम याफ्ता तबका है, जो बिरादरियों से कटना चाहता है, उसको शुरू में तो इन्होंने एड्रेस कर लिया, वो इनकी तरफ अट्रैक्ट भी हुआ, लेकिन देखिए मसला क्या है कि सिर्फ अर्बन एजुकेटेड फैशनेबल क्लास अब तक तो अपर वो तो इनके साथ नजर आती है, लेकिन जो वोट बैंक जिसका है वो है लोअर क्लास, देहातों में बसने वाले और दीगर मजदूर तबके, वो अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं इमरान खान की वजह से। इमरान खान की वजह यह है कि इन्होंने वो एक तो ट्रन कोर्स ले लिए, अपर क्लास को ले लिया, इन्होंने जो अपनी जेन्युइन पार्टी की मदद से ये नीचे सतह तक जाते, फिर इनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कंफ्यूज नहीं हैं, इन्होंने कोई वाजे कंफ्यूज तो नवाज शरीफ भी हैं, उनकी भी कोई वाजे पॉलिसी नहीं है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन वो अट्रैक्ट कर रहे हैं उन बरादरीज़ को और उस तबके को जो कि वहाँ का ट्रेडिंग क्लास है पंजाब की, उसने उनको लिया है। आप देखिए सिंध की ट्रेडिंग क्लास उनसे इतनी मुतासर नहीं है, इसी तरह पख्तूनख्वा में भी उनका जो है सिर्फ हज़ारा बेल्ट के अंदर या इक्का दुक्का पश्तून बेल्ट के अंदर इक्का दुक्का है, अदरवाइज़ वो ज़्यादातर, और सदर्न पंजाब में भी उनका नहीं है। अभी मैं आपको एक प्रेडिक्शन दे के जा रहा हूँ, यहाँ पर आने वाले वक्तों में इस पर आप गौर कीजिएगा, इंशाल्लाह ये साबित होगी जैसे पिछली प्रेडिक्शन मेरी सही साबित हुई हैं, कि अगला मूव पीपल्स पार्टी चलाएगी सराय की सूबे का, और सराय की सूबे की 80 नशिस्तों में से मैं दावे से कह रहा हूँ 60-65 सीटें लेके चली जाएगी। अच्छा, क्यों ले जाएगी? क्योंकि वहाँ पर जो मूवमेंट है सराय की बेल्ट के अंदर वो ग्रास रूट पर तक जा रही है, वो भी मूवमेंट जा रही है कि हमें अलग सूबे की ज़रूरत है। ठीक। और जो रियाज पीरजादा जो वजीर हैं उन्होंने का इस्तीफा जो है वो भी सदरन पंजाब के ही है। हाँ, वो सदरन पंजाब। ठीक है ना। हाँ। तो आप देखिए कि एक नई मूवमेंट बिल्ड होगी। अच्छा। जो अगले इलेक्शन तक जब भी हों, और उसमें पीपल्स पार्टी उस कार्ड को, उसमें भी जो है उस कार्ड को खेल नहीं पाएगी तहरीक इंसाफ, क्योंकि इसने सदरन पंजाब के भी जो एलीट है वो उसके साथ है, जो सज्जादा नशीन और फलाने ढिमकाने, तो ग्रास रूट पर फिर पीपल्स पार्टी जो है ले जाएगी, और पीपल्स पार्टी जो फाल हुई है तमाम तर कमजोरियों, तमाम तर बैड गवर्नेंस के बावजूद सिंध के अंदर, वो फिर उसके बाद ले जाएगी, क्योंकि ये कार्ड अब जो खेला जाएगा, ये मैं आपको प्रेडिक्शन दे रख जा रहा हूँ, आप देखिएगा आने आने वाले दिनों में ये प्रेडिक्शन बड़ी अहम होगी। दूसरी बात ये कि जो कोठवार का इलाका है उसके अंदर भी एक रिजल्टमेंट आएगी। अच्छा, उस पर बात कर लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। जनाब मुक्तदा मंसूर साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है, लेकिन एक छोटी सी खबर आपके साथ शेयर करते हैं, फिर मौजू पे आते हैं। मनी बोरोड बाय टेक्सटाइल सेक्टर मे बी गोइंग टू रियल एस्टेट। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो हेड हैं उनकी जानिब से ये बात आई कि बोरोइंग तो बहुत हो रही है, कर्जे तो लिए जा रहे हैं, लेकिन खदशे का इजहार है कि उसी सेक्टर में इस्तेमाल नहीं हो रहा। इस पर आने वाले दिनों में मजीद तफसील से बात करेंगे। आप जो बात कर रहे थे पोटोहार रीजन के हवाले से, उस पर बात आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे ये जो चीज़ है, देखिए फ़िलहाल जो हज़ारा बेल्ट की एक सूबे की शक्ल देने की मूवमेंट है वो अभी फ़िलहाल तो ठंडी पड़ी हुई है, लेकिन अगर वो उसमें सिद्दीक बलोच साहब हैं बहुत सीनियर सहाफ़ी, और वो दो अखबार निकलते हैं, बलूचिस्तान एक्सप्रेस उनका एक अखबार है और एक अखबार उनका जो है आज़ादी है उर्दू में, उन्होंने अभी एडिटोरियल में यही बात लिखी है, उन्होंने कहा कि देखिए पोटवार और हज़ारा बेल्ट तकरीबन एक लिंग्विस्टिक वो रखते हैं, तो अगर इसको बनाकर एक सूबे की शक्ल दे दी जाए तो वो मसला भी हल हो सकता है, और क्योंकि पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो ट्राइबल एरिया शामिल हो जाएगा, तो पख्तूनख्वा उधर एक बन जाएगा, इधर पोटवार तक यानी दरियाए झेलम के ऊपर का इलाका जो है वहाँ से लेकर और हज़ारा बेल्ट तक जो है उसको, ये उनकी सजेशन है, मैं मेरी बात नहीं है ये, लेकिन मैं जो चीज़ पर एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ, मुझे उससे नहीं, वो तो उनका मशवरा है,
कि मुझे लग ये रहा है कि अगली जो इलेक्शन कैंपेन में मूव बनेगी पंजाब के अंदर, ठीक है, वो सराय की बेल्ट की सूबे की हैसियत वाली बनेगी, और जिसको कि पीपल्स पार्टी जो है वो बाकायदा एक कंपेन का हिस्से के तौर पर इस्तेमाल करेगी और वो आगे बढ़ेगी बात। उसी की बुनियाद पर फिर वो मैंने पोटवार का रेफरेंस हाँ, दिया था कि वो मोमेंट जो है अगली उसकी आ सकती है। ठीक, तो ये एक सूरत है जी। ठीक, कॉलर भी है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। दरअसल हमारे यहाँ 8:30 बजे से लाइट नहीं है, तो मुक्तदा मंसूर साहब फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे थे जी। मैं कहूँगा कि एक तो सरताज अजीज साहब जो हैं वो हिकलाते बहुत हैं, ऐसा महसूस होता है कि उनकी जबान में लुकनत है। पूरी दुनिया में देखिए हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है, हमारी जो वहाँ पे फॉरेन मिनिस्ट्री है या आप उसको सफारतखाना कह लें वो टोटली फ्लॉप हो चुकी है, सब अपने अय्याशियों में लगे हुए हैं। देखिए वहाँ हिंदुस्तान के जो शहरी रहते हैं ना वो अपने लिए एक एक काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान को आगे प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन हमारे शहरी जो हैं वो जाते हैं वहाँ वहाँ अय्याशियों में लग जाते हैं। हमें न कश्मीर का केस हम सही लड़ रहे हैं न हम अपना लड़ रहे हैं, इसलिए तो अमेरिका यही कहता है ना कि टू मोर। ठीक है मुस्तफा साहब, बिल्कुल ठीक है, आपका तजिया भी आ गया। अच्छा मुक्तदा मंसूर साहब, ये सारी सूरत हाल को अगर हम अगेन वहीं पर ले आए, कराची में हैं 2 दिन से इमरान खान साहब, उनकी यहाँ मौजूदगी से भी वो बहुत बड़ा जो हम तवक्को कर रहे थे या मीडिया तवक्को कर रहा था या हल्के कह रहे थे कि शायद बहुत कुछ सब्सटेंशियल बातें आएंगी, कोई नई बातें आएंगी, बातें तो कोई भी नहीं बातें भी नहीं आई, लोग भी नहीं आए। उन्होंने फिर एक वो जो मज़ार के सामने की बजाय छोटी सी गली के अंदर जाकर उन्होंने खिताब किया, मतलब साइड में जाकर, ताकि वो जो है वो खोले में साथ ना आए। देखिए कराची के अवाम का एक अपना माइंड सेट है, मैं फिर वर्ज करता हूँ कि रियासत का कोई इदारा, रियासत की कोई हुक्मरान तबका, मनसूबा साज ये चाहें कि अवाम को यहाँ पर कोई उल्टी सीधी पट्टी बढ़ाकर उनको अपने ट्रैक से हटा देंगे तो मुमकिन नहीं है। फिर अर्ज़ है कि ऑपरेशन ज़रूरी है क्रिमिनल एलिमेंट के ख़िलाफ़, उसके फ़वाद भी आते हैं, लेकिन साथ साथ चूँकि पोलिटिसाइज मामला है उसमें डायलॉग ज़रूरी है, पॉलिटिकल डायलॉग ज़रूरी है। और दूसरी बात यह कि किसी रियासती इदारे को, किसी वफाकी हुकूमत को, किसी सूबाई हुकूमत को ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी जमात के अंदर तोड़ फोड़ करे, उसके नेगेटिव इम्पेक्ट हो रहे होते हैं, वो गलत तासुर जाता है, उसकी वजह से जो है अवाम के अंदर गम व गुस्सा पैदा होता है और बदतरीन शक्ल इख्तियार करता है। होना ये चाहिए कि आप क्रिमिनल एलिमेंट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई ज़रूर करें, इससे कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन उसका भी ड्यू प्रोसेस हो, अदालत के सामने उनको लाया जाए, अदालत के मावराए आईन मावराए अदालत कत्ल होना या उनको गायब होना ये एक गलत तासुर होता है। इससे तासुर जो है वो हुक्मरानी के ख़िलाफ़ जाता है, हुकूमत के ख़िलाफ़ जाता है, रियासत के ख़िलाफ़ जाता है, लिहाजा इससे बचने की ज़रूरत होती है। प्रॉब्लम यह है, फिर दूसरी बात यह कि तमाम फैसले मेरिट पर हों, ये नहीं हो कि आपके 5 जमातों का नाम है सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई गई और आप एक जमात को लेकर बैठ जाएं, आप बाकी जमातों को जो है आप कौन होते हैं क्लीन चिट देने वाले, ये अदालत देगी क्लीन चिट कि कौन क्लीन है कौन नहीं है। आपका काम जो है इंतज़ामिया का सिर्फ इतना है कि वो उन लोगों को जिन पर के जराइम पेशा होने का शक है, जिन पर जो है वो ये शक है कि वो इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, उन्हें आप पकड़ें, उनकी आप इंट्रोगेशन करें, उनसे सवाल जवाब करें, उनके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो आप लगाकर कोर्ट में पहुंचा दें। अब कोर्ट की मर्जी है कि वो उसको सजा दे या नहीं। मैं एक छोटा सा वाकया, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं सर बिल्कुल आखिरी मिनट है। हाँ मैं जर्मनी यहूदी वकील था, वो लगा रहता था कि जिन लोगों ने यहूदियों के साथ मजालिम किए हैं उनको कोर्ट में लेके जाता था, उनके केस बनाता था, बड़ी मेहनत करता था और वो अदालत में लेके जाता था। लोग उससे कहते थे कि बहुत से लोग छूट जाते हैं, ये तुम जो है कोर्ट में केस क्यों लेके जाते हो और तुम अपना पैसा भी लगा रहे होते हो, तुम्हें फ़ायदा भी मतलब कुछ नहीं होता अपनी जेब से। उसने एक जुमला कहा था कि मेरा काम बहैसियत वकील ये है कि जिन लोगों ने भी मजालिम किए हैं उन्हें मैं अदालत के कठहरे में पहुँचा दूँ, अब ये अदालत का काम है कि वो उन्हें आज़ाद करे या उन्हें सजा दे। बिल्कुल ठीक है जी, इन्हीं अल्फाज के साथ प्रोग्राम से इजाज़त लेंगे। ज़रूरी यही है कि कानून की अमलदारी कायम हो पूरे मुल्क में। अल्लाह हाफ़िज़।